शिवसेना के माउथपीस सामना ने आज प्रधानमंत्री मोदी के बांग्लादेश दौरे को निशाने पर लिया है। सामना में लेख लिखा गया है कि पीएम मोदी के बांग्लादेश दौरे के बाद वहां का हिंदू और असुरक्षित हो गया है। सामना में बाकायदा लेख लिखकर प्रधानमंत्री मोदी के बांग्लादेश दौरे को निशाने पर लेकर क्या लिखा गया है आपके सामने रखते हैं। पीएम मोदी के बांग्लादेश के दौरे के बाद कट्टरवादी इस्लामी संगठनों ने हिंदू मंदिरों में तोड़फोड़ की। सामना के इस लेख में आगे लिखा गया है, हिंदू बस्तियों पर हमला शुरू हो गया है, अब तक 12 जाने जा चुकी हैं, ये मोदी के बांग्लादेश दौरे का फल है। आगे सामना में लिखा गया है, मोदी बांग्लादेश जाकर लौट आए लेकिन इससे वहां का हिंदू अधिक असुरक्षित हो गया। बंगाल चुनाव जीतने के लिए एकाध हिंदू मुसलमान दंगा भड़काया जाएगा, ऐसे कयास लगाए जा रहे थे। आगे शिवसेना के माउथपीस में लिखा गया कि लेकिन दंगा पड़ोस के बांग्लादेश में फैल गया, इसकी आंच पश्चिम बंगाल में अवश्य महसूस की जाएगी। आपको याद दिला दें, बांग्लादेश में अल्पसंख्यक आबादी ईसाइयों और हिंदुओं की है। जी हाँ, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, शरद पवार और अमित शाह की मुलाकात को लेकर महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने ये कहकर सस्पेंस और बढ़ा दिया कि नेतृत्व को जो फैसला मंजूर होगा हमें भी मान्य होगा। अमित भाई तो निर्णय करतील, आमचे जगत प्रकाश नड्डा जो निर्णय करतील, आमचे मोदी जी निर्णय करतील, तो आम्हाला सगळ्यांना मान्यच असेल आमच्या पक्षामध्ये। पाटिल की इस गुगली के बाद शिवसेना और कांग्रेस की बेचैनी और बढ़ गई है। हालांकि शरद पवार की पार्टी यही कह रही है कि दोनों की मुलाकात हुई ही नहीं, फिर चर्चा का सवाल कहां उठता है। एनसीपी का कहना है कि बीजेपी जानबूझकर भ्रम की स्थिति पैदा कर रही है। ट्विटर के माध्यम से चार दिन खबर चलाई गई, फिर एक गुजरात के अखबार में खबर छापी और अमित शाह जी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में गोल गोल करके उन्होंने भ्रम पैदा करने का काम किया। अमित शाह जी कहते हैं कि ऐसी बातें सार्वजनिक नहीं की जाती, ऐसी बहुत सी बातें सार्वजनिक नहीं की जाती, लेकिन बाद में वो सार्वजनिक होती है। खबर है कि अनिल देशमुख को लेकर शिवसेना और एनसीपी के रिश्ते ठीक नहीं है, लेकिन सियासी गणित में एनसीपी की हर बात मानना शिवसेना की एक तरफ से मजबूरी है। विधानसभा का गणित देखेंगे तो स्थिति और साफ हो जाएगी। महाराष्ट्र विधानसभा में कुल सीटें हैं 288, बहुमत का आंकड़ा है 145, सदन में बीजेपी की 105, एनसीपी की 54, शिवसेना की 56 और कांग्रेस की 44 और अन्य की 29 सीटें हैं। अगर महाराष्ट्र में बीजेपी और एनसीपी साथ आते हैं तो उनके 159 विधायक होंगे, यानी बहुमत से ज्यादा। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी सरकार बनी शरद पवार की वजह से है और लगता है कि ये बिगड़ेगी भी शरद पवार की ही वजह से। तो कुल जमा सवाल अब भी वही, महाराष्ट्र में उद्धव सरकार बचेगी या जाएगी, इसका फैसला अगले 14 दिन में हो जाएगा। शरद पवार का ऑपरेशन होना है। पवार और उद्धव सरकार दोनों की सेहत का क्या है कनेक्शन, हमारी ये दिलचस्प रिपोर्ट समझाएं। आदरणीय पवार साहब को एब्डोमेन में तकलीफ के कारण ब्रिज कैंडी अस्पताल ले जाया गया। 31 तारीख को उन्हें ब्रिज कैंडी अस्पताल में एडमिट किया जाएगा, तब तक के लिए उनके सारे कार्यक्रम स्थगित किए गए हैं। ऑपरेशन के बाद पवार 2 हफ्तों तक सेहत में सुधार करेंगे। इन्हीं 2 हफ्तों में स्वास्थ्य लाभ के साथ साथ पवार उद्धव सरकार की सेहत का भी फैसला कर सकते हैं। महाराष्ट्र की सत्ता फिलहाल मेडिकल लीव पर टिकी हुई है। कोरोना की वजह से जब गृह मंत्री अनिल देशमुख ने सेहत सुधार के लिए 14 दिन की छुट्टी ली तो गाजे बाजे के साथ सचिन बाजे का मामला सरकार के गले की फांस बन गया। अब देशमुख को लेकर एनसीपी शिवसेना में ठन गई। संजय राउत ने सामना में लिखे लेख में गृह मंत्री अनिल देशमुख पर निशाना साधा, तो वहीं पवार और अमित शाह के मुलाकात की खबरें आईं। अब राउत डैमेज कंट्रोल करने में लगे हैं। ये किसी के ऊपर निशाना साधने की बात नहीं है, ये कोई व्यक्तिगत किसी के साथ संघर्ष या टीका टिप्पणी करने की बात नहीं है। राज्य के गृह मंत्री हो या राज्य के मुख्यमंत्री हो या डिप्टी सीएम हो, अपने अपने स्थान पर ठीक काम कर रहे हो। पवार साहब को अगर मिलना है अमित शाह को, अमित शाह जी को, और अमित शाह जी को शरद पवार साहब को मिलना है, तो उसमें कोई मुझे लगता नहीं कोई गलत बात उसमें है। राजनीति है या और कुछ हो रहा है, पक रहा है खिचड़ी पक रहा है या राजनीति में कोई भी बात छिपती नहीं ना गुप्त होती। राउत के भरोसे और पवार की सियासत दोनों अभी तक एक राह पर थे तो महाराष्ट्र में उद्धव सरकार टिकी थी। देखना यह है कि अगले 15 दिन में पवार की सियासत का ऊंट किस करवट बैठता है। न पाबंदी हो न कोई हद हो तो बस खुद बनाई सरहद हो। ये मुहिम है परतों में छिपे हर सच की तलाश की, सियासत पर रखी पहली नजर और आंख की।
खबरों की दुनिया में एक जिम्मेदार आवाज की, जुर्म और जुल्म के खिलाफ हर बेबस के लिए इंसाफ की, जब कोई हद नहीं इंसानियत के लिए जज्बात की, जब कोई हद नहीं खुशियों और ख्वाब की, तब कोई हद क्यों हो नए नजरिए और बदलाव की। तोड़ के हदों के ताले, नए सपनों को पाले, बांधे सबको एक धागे, आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज़।